hello kids how are you i hope you are all doing fine today i am going to teach you evs subject our lesson is human organs okay let's start now there are two types of organs external organ and internal organ okay external organ the external organ kya hote hai? जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जिनको कि हम देख पाते हैं वे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं जैसे कि माउथ है नेक है हैंड लेग्स यानी कि जो भी बॉडी पार्ट्स हैं जिनको कि आप देख पा रहे हो वे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन हैं ओके डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन यानी कि एक्सटर्नल ऑर्गन क्या होता है द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स यानी कि वह बॉडी पार्ट जिनको कि हम देख सकते हैं उनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं सम ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गन आर माउथ नेक हैंड्स फिंगर्स एंड लेग्स तो जैसे कि हमारे कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन हैं माउथ यानी मुंह, नेक यानी गर्दन हैंड्स यानि हाथ फिंगर्स यानी उंगलियाँ लेग्स यानी कि तो इन चीज़ों को आप देख सकते हो ना और टच भी कर सकते हो द नंबर वन इज माउथ आवर माउथ हैज़ लिप्स टंग एंड टीथ तो हमारे मुंह के अंदर लिप्स होते हैं तो एक टंग होती है और बहुत सारे टीथ यानी कि दांत होते हैं वी च्यू आवर फूड विद आवर टीथ तो दांतों से हम अपना खाना चबाते हैं दे ब्रेक आवर फूड इन टू स्मॉल पार्टिकल्स तो दाँत क्या मदद करते हैं जो हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे टिकड़ों में पीस देते हैं आवर माउथ हेल्प अस टू ईट स्पीक स्माइल एंड लाफ तो मुँह ये देखो माउथ है तो मुँह से हम क्या क्या करते हैं माउथ क्या, क्या क्या काम करता है ईट मीन्स खाना खाता है स्पीक मीन्स बोलते हैं स्माइल करते हैं और लाफ में हंसते हैं समझ के तो माउथ क्या है हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है ये देखिए इसको हम बाहर से देख सकते हैं तो माउथ के अंदर दो लिप्स होते हैं एक टंग होती है और बहुत सारे टीथ होते हैं टीथ हमारे खाने को स्मॉल पार्टिकल्स में बदल देते हैं यानी कि चबाने का काम करते हैं हैं ओके नेक्स्ट इज नेक इट हेल्प्स टू मूव आवर हेड तो नेक का फंक्शन क्या होता है हमारे नेक का फंक्शन होता है हमारे सर को इधर उधर घुमाना तो नेक की वजह से यानी गर्दन की वजह से हम अपने सर को इधर उधर घुमा सकते हैं नेक्स्ट इज़ हैंड्स वी डू अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विद आवर हैंड्स तो यानी कि हाथों से हम बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं वी कैन होल्ड थिंग्स विद आवर हैंड्स हम हमारे हाथों से चीज़ों को पकड़ सकते हैं वी कैन राइट हम लिख सकते हैं ड्रॉ ड्राॅइंग भी कर सकते हैं थ्रो एंड क्लैप विद आवर हैंड्स और चीज़ों को फेंक सकते हैं और तालियां भी बजा सकते हैं ओके नेक्स्ट इज लेग्स लेग्स तो लेग्स से हम क्या करते हैं वी वॉक एंड रन विद आवर लेग्स हम टांगों से दौड़ सकते हैं और चल सकते हैं वी कैन जम्प एंड प्ले विद आवर लेग्स हम टांगों की मदद से दौड़ भी सकते हैं खेल भी सकते हैं और कूद भी सकते हैं पॉइंट टू बी रिमेंबर नंबर वन आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स यानी कि हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं देन आइज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन आर आवर सेंस ऑर्गन्स सेंस ऑर्गन मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था तो वही एक बार रिपीट कराती हूँ

नेक्स्ट इज वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी तो हमें हमारे शरीर की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए ओके बच्चों तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेंस ऑर्गन बताए थे और इस वीडियो में मैंने आपको एक्सटर्नल ऑर्गन बताए हैं और अभी मैं आपको इंटरनल ऑर्गन के बारे में बताना चाहती हूँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और लास्ट तक आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ओके नेक्स्ट इज इंटरनल ऑर्गन ठीक है सेंस ऑर्गन कंप्लीट हो चुके हैं एक्सटर्नल ऑर्गन हो गए अब हमारा आता है इंटरनल ऑर्गन इंटरनल यानी इन जो हम हाँ शरीर के अंदर है समझ में आ गया ना जैसे कि लंग्स हैं लीवर है किडनी है स्टोमक है ब्रेन एंड हार्ट इसी तरह और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनको कि हम देख नहीं पाते और टच भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारे शरीर के अंदर होते हैं चलिए आगे मैं आपको इंटरनल ऑर्गन के बारे में बताती हूँ इंटरनल ऑर्गन बॉडी पार्ट्स विच वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स ओके तो वह बॉडी पार्ट्स जिनको कि हम देख नहीं सकते उनको हम इंटरनल ऑर्गन कहते हैं कुछ इंटरनल ऑर्गन के बारे में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ नंबर वन इज लंग्स देर आर टू लंग्स इन साइड आवर चेस्ट हमारे चेस्ट के अंदर कितने लंग्स होते हैं टू लंग्स ओके दे आर टू लंग्स इन साइड आवर चेस्ट दे हेल्प्स अस टू ब्रीथ तो लंग्स का फंक्शन क्या होता है ब्रीथ यानी कि सांस लेना तो लंग्स होते हैं वह हमें सांस लेने में हमारी मदद करते हैं दे फिल अप एयर वैन वी ब्रीथ इन जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उनके अंदर एयर यानी कि हवा भर जाती है तो ये देखिए लंग्स का फोटो देखिए इस प्रकार का होता है देखिए आप मैंने लंग्स का फोटो आपको दिखाया है दिस इज लंग्स वट इज़ द फंक्शन ऑफ लंग्स लंग्स अस टू ब्रीथ ओके याद रखिएगा लंग्स अस टू ब्रीथ वेरी गुड नेक्स्ट इज स्टोमक स्टोमक तो पता ही है ना स्टोमक क्या होता है वेरी गुड देखिए स्टमक की पिक्चर अंदर ऐसी होती है हमारे जो बॉडी के अंदर स्टमक होता है उसकी पिक्चर ऐसी होती है ध्यान से इसको देखिएगा फिर मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगी जिसमें कि आपको इंटरनल ऑर्गन आइडेंटिफाई करना होगा ओके आवर स्टोमक लुक्स लाइक अ बैग हमारा जो स्टोमक होता है वह एक बैग के जैसा होता है इस स्टोर्स फूड दैट वी ईट जो खाना हम खाते हैं वह कहाँ स्टोर होता है स्टोमक में वेरी गुड द स्टोमक हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड तो स्टोमक क्या करता है खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है वी शुड ईट हाइजीनिक फूड टू कीप आवर स्टोमक हेल्दी हमारे स्टोमक को हेल्दी रखने के लिए हमको हाइजीनिक फूड खाना चाहिए हाइजेनिक फूड हाइजेनिक फूड क्या होता है बच्चों हाइजेनिक फूड यानी कि न्यूट्रिशन से भरपूर जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं पिज़्ज़ा बर्गर चॉकलेट्स ये हमको नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये अनहाइजीनिक होता है हाइजीनिक फूड होता है जो घर पे मम्मी बनाती है अच्छा खाना खाना चाहिए ओके नेक्स्ट इज ब्रेन द ब्रेन इज़ द थिंकिंग ऑर्गन तो ब्रेन सोचने का काम करता है इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी तो हमारे शरीर के जो जितने भी ऑर्गन होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स एंड टेल्स आवर बॉडी ऑर्गन फॉर टू डू तो ये देखिए ब्रेन का फोटो है तो ब्रेन क्या काम करता है ब्रेन सोचने का काम करता है द ब्रेन इज थिंकिंग ऑर्गन ब्रेन सोचने का काम करता है इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी हमारे शरीर के सभी ऑर्गन के ऊपर इसका कंट्रोल रहता है इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्राम आवर सराउंडिंग एंड टेल्स आवर बॉडी organ वॉट टू डू यानी कि हमारे आस पास की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और यह बताता है कि हमारे शरीर के अंगों को क्या क्या काम करना चाहिए नेक्स्ट इज हार्ट ये देखिए बच्चों हार्ट का फोटो इस तरीके का होता है हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट होता है वो ऐसा होता है समझ गए तो हार्ट का फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ देखिए हार्ट कहाँ होता है हमारे लेफ्ट साइड में होता है हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में डू यू फील समथिंग बीटिंग लाइक अ ड्रम यस इट इज़ आवर हर्ट तो क्या तुम अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में अपना हाथ रखिए और फिर देखिए क्या तुमको कोई ड्रम के जैसा बीट करता हुआ दिखा सुनाई दे रहा है हाँ अगर सुनाई दे रहा है तो वही हमारा हर्ट होता है कैसे बीट करता है इट बीट्स विद अ साउंड लाइक लब डब लब डब तो यह एक साउंड करता है लब डब लब डब इस तरीके की आपके साउंड सुनाई देगी जरा एक्सपेरिमेंट करना अपना राइट right हैंड को अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड पर रखो और ऐसे लब डब लप डब या धक धक इस तरीके की आपको आवाज़ सुनाई देगी तो वही होता है हमारा हर्ट द हर्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो हार्ट का क्या काम होता है ब्लड को पंप करना और बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुँचाना और डॉक्टर यूज स्थेटास्कोप टू तो लिसन टू तो द हार्ट बीट आपने देखा होगा कि डॉक्टर अपने गले में एक स्थेटोस्कोप डाल के रखते हैं जिससे कि वह हमारे हार्ट बीट को सुन सकते हैं ओके पॉइंट टू बी रिमेंबर अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ इनको आप नोट कर लीजिएगा नंबर वन बॉडी पार्ट्स आर इनसाइड आवर बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन बाई अर कॉल इंटरनल ऑर्गन वेरी गुड यानि कि बॉडी वह बॉडी पार्ट्स जिनको कि हम देख नहीं सकते और हमारे शरीर के अंदर होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन नेक्स्ट इज द ब्रेन टेल्स आवर बॉडी पार्ट्स वॉट टू डू तो अपने शरीर को कौन निर्देश देता है कि हमको क्या करना चाहिए ये में आंसर ब्रेन वेरी गुड तो ब्रेन हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट इज द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो जो हार्ट होता है वह क्या काम करता है ब्लड को पंप करने का काम करता है एंड नेक्स्ट द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथिंग तो लंग्स का क्या काम होता है ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना ओके बाय बाय थैंक यू हैव अ नाइस डे